हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाला भात। मसाला चावल, उस और वो चावल हम बनाएंगे इस तुअर के दाने के साथ। इसे पिजन पी भी कहा जाता है। ये सर्दियों के दिनों में मिलती है, तो इसके साथ हम बनाएंगे आज मसाला राइस। उसके लिए हमें कुछ मसाले लगेंगे, तो उसके लिए मैंने ये एक हरी इलायची ली है, एक मिरी ली है, पेपरकॉर्न, एक लवंग है, छोटी सी मसाला इलायची रहती है उसके एक दो दाने के साथ लिया है, ये दगड़ फूल है, एक टीस्पून जीरा है, एक टेबलस्पून धनिया है, छोटा सा इलायची का टुकड़ा है, और ये स्टार एनी से चक्री फूल है, और इसको हमें मिक्सी में दरदरा पीस के लेना है। मसाले को दरदरा पीस लिया है, ड्राई मसाला हो गया है। अब हम गीला मसाला बनाएंगे। उसके लिए एक हरी मिर्च लिए, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, एक टेबलस्पून सूखा नारियल है, एक टेबलस्पून तिल है, एक टेबलस्पून खसखस है पेपी सीड, और थोड़ा सा धनिया है। इसको भी हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। अब हम राइस बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई गरम करने रख दी है, उसमें हम 4 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे। मसाला राइस में तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही तेल डालेंगे हम। 1 टीस्पून राई डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे, और जो हमने मिर्च, धनिया और तिल के साथ मसाला बनाया था वो इसमें हम डालेंगे, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जो ड्राई मसाला रोज ग्रेट किया था उसे भी हम डालेंगे। दरदरा पीस लिया था वो मसाला हम अच्छे से भून लेंगे। कलर के लिए हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हरी मिर्च डाली थी और गरम मसाले भी हैं, इसलिए वो सब देखकर ही हमें लाल मिर्च पाउडर डालनी है। अब हम इसमें जो हमारी ये तुअर के दाने हैं हरे, ये डालेंगे। ये 1 कटोरी दाने लिए हैं मैंने, इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। इस कटोरी से मैंने चावल लिए थे, जिस 1 कटोरी चावल है और 1 कटोरी ही तुअर के दाने हैं। अगर आपके पास तुअर के दाने नहीं है तो आप इसमें हरा चना या मटर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। चावल को 15-20 मिनट के लिए मैंने पानी में भिगो के रखा था, ताकि इससे हमारे चावल फूल जाते हैं और जल्दी से पक जाते हैं। चावल अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसे कुकर में डाल के, पानी डाल के पका लेते हैं। अगर आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी पका सकते हैं, लेकिन कुकर में जल्दी पक जाएंगे। चावल को मैंने कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। जितना चावल लिया था उससे, मतलब 1 कटोरी चावल था, तो हम 3 कटोरी पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि ये बिरयानी के जैसा खुला खुला नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे हम इसमें। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और अब हम इसको 1 सीटी होने तक पकने देंगे। 1 सीटी में पक जाएगा। 1 चम्मच के करीब हम इसमें घी डालेंगे, और अब इसको ढककर। हमारा मसाला राइस पककर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम से अच्छे से पक गया है। ये खाने में बहुत टेस्टी है, आप एक बार इसे जरूर बना के देखिए। थैंक यू।